गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आपसे जब जब मुलाकात करते हैं हमारा जो दिल है मन है एकदम गदगद हो जाता है आपसे बात करके, आपसे वीडियो के माध्यम से मुलाकात करके। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके चैनल आर पी पब्लिक स्कूल जोगीठहर में हम रोज़ आपको कुछ ना कुछ देने का प्रयास करते हैं। छोटे से लेकर बड़े क्लास तक की वीडियोज आपको दे रहे हैं। और यही नहीं, धीरे धीरे हमारा प्रयास है कि हम कंपटीशन लेवल की जो इंग्लिश है, मैथ है, वो भी हम पढ़ाएंगे इस चैनल के माध्यम से, चैनल के चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी या आपको क्या अच्छा नहीं लगा, उसमें हम थोड़ा सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से बने रहिएगा अपने चैनल आरपी पब्लिक स्कूल के साथ में। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल के लिए तो सारी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर करना है। और जो सब्सक्राइब के बाद वेल आइकन जो बटन आता है उसको जरूर आप दबाइएगा, जिससे आपको सारी वीडियोस समय पर आपके वीडियो आपके चैनल पर मिलती रहें। तो आइए हम एक से एक नई जानकारी आपको लेकर आते हैं, छोटे क्लास के और बड़े क्लास के भी। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले और वीडियो आपको मिली होंगे चैनल पे, जैसे कि देर का यूज़ सर ने पढ़ाया था, इट का यूज और बहुत सारी यूजेज, बहुत सारी जो बहुत कंपटीशन लेवल की जो पढ़ाई है, जो इंग्लिश है, वो चैनल पे आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर छोटे बच्चों का नहीं बल्कि जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कंपटीशन लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं लाभ होने वाला है इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है, आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। कहीं ना कहीं आपको इससे लगे रहना होगा अगर आपको एक अच्छी जानकारी, एक अच्छी नॉलेज चाहिए तो। तो आइए आज हम आपको इस श्रृंखला में लेकर आए हैं सेकेंड क्लास। देखिए, हम छोटे क्लास के बच्चों की वीडियो डालते हैं, बड़े क्लास की वीडियो डालते हैं, कंपटीशन लेवल की वीडियो डालते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हर तरह से इस चैनल से फ़ायदा होने वाला है। तो इसी श्रृंखला में हम आज लेकर आए हैं सेकेंड क्लास की इंग्लिश की बुक, जिसका जो चैप्टर है उसका नाम है दीपावली। अब दीपावली बहुत ही सुंदर चैप्टर है। इस चैप्टर में देखो दो पात्र हैं, एक लड़का है जिसका नाम यश है और उसकी माँ है। जो लड़का जो है, यश नाम का बच्चा, क्योंकि सेकेंड क्लास छोटा बच्चा होता है, उसी लेवल की कहानियाँ होती हैं किताबों में, तो किस तरह से अपनी माँ से दिवाली के बारे में पूछ रहा है कि माँ ये सब क्या हो रहा है, ये इतनी सजावटें क्यों हो रही हैं, ये सब मिठाइयाँ उठाइयाँ क्यों बढ़ रही हैं, है इतना सब अच्छा माहौल क्यों है, ये लड़का पूछता है। तो उसकी माँ दिवाली के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देती है। अब छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा जो नॉर्मल जो आम तौर पर जानकारियाँ होती हैं केवल उनको ही अपने अंदर ग्रहण कर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी लंबी जानकारियाँ होती हैं जो हमें होनी चाहिए। हर त्यौहार के पीछे कोई ना कोई एक मोटिव होता है, कोई ना कोई एक रीज़न होता है, कारण होता है इसको मनाने का। तो दिवाली, जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहारों में से एक है और कई इसके कारण हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण बताते हैं कि जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद, यानी कि रावण को मारने के बाद, लंका में विभीषण को राज सौंपने के बाद अयोध्या वापस आ रहे थे, और उनके अयोध्या आने की खुशी में, उनके अयोध्या आने के खुशी में जो अयोध्या वासियों ने पूरे अयोध्या को देसी घी के दियों से उनके स्वागत के लिए सजाया था, जिस उनके स्वागत के लिए, उनके कह सकते हैं कि उनका अभिनंदन करने के लिए, क्योंकि 14 वर्ष के बाद वो वनवास से लौट कर आए थे राजा बनने के लिए, अपनी माँ से मिले, तो उनके स्वागत के लिए पूरे अयोध्या में दीपक जो जलाए गए थे देसी घी के, उनके स्वागत के लिए जलाए गए थे, पूरे अयोध्या को सजा दिया गया था, दुल्हन बना दिया गया था एक तरह से। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि तब से हम दिवाली का त्यौहार जो है मनाते हैं। कहीं ना कहीं इसका एक वैज्ञानिक कारण भी होता है, और भी हमारे जो शास्त्र हैं, जो पौराणिक कथाएँ हैं, उनमें बताया जाता है कि बरसात के बाद शरद ऋतु, शिशिर ऋतु आती है, यानी कि एक तरह से सर्दी का समय आता है, जाड़े का मौसम आता है। तो आप देखते हैं कि बरसात में बहुत सारी नमी, फंगस, बैक्टीरियाज और कीटाणु, जीवाणु, ये सब एक्टिव हो जाते हैं। अब बरसात खत्म होने के बाद कहीं ना कहीं वो जीवित रहते हैं, बहुत सारी गंदगी, स्मेल अजीब तरीके की आती है, जहाँ तक पानी भरा होता है मच्छर मक्खी बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका कारण ये भी है कि उस समय जो नया अनाज होता है, तो उस नए अनाज का जो भोग है, कह सकते हैं, जो धान इस समय पैदा होता है उस समय में हमारे देश में, उसका जो पहला जो भोग है, पहला जो आहुति है, कह सकते हैं, वो दीपकों के माध्यम से दी जाती है, भगवान को भोग लगाया जाता है। और अब तो चलन खत्म हो गया, पहले अधिकतर देसी घी के या फिर प्योर सरसों के तेल के दिए जलाए जाते थे,
दिए तो आज भी जलाए जाते हैं, लेकिन उतने नहीं, बहुत कम मात्रा में हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं दिए इसलिए भी जलाए जाते हैं दिवाली पर ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि हमारे आसपास का जो वातावरण, जो दुर्गंधी हमारी फैली हुई है क्षेत्र में या हमारे वातावरण फैली हुई है, कहीं ना कहीं वो अशुद्धियाँ उन दीपकों को जलाने से दूर हो जाएँ। आपने शायद सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत सारी वीडियो इस तरह की देखी होंगी कि एक देसी घी का दिया मात्र जलाने से एक घर में कहीं भी किसी कोने में जला दिया जाए, बाहर आंगन में जला दिया जाए, तो उतने आसपास का क्षेत्र होता है वो सब शुद्ध हो जाता है। उसके अंदर जो पर्यावरण में, वातावरण में या हमारी वायु में जो विषैले या कह सकते हैं हानिकारक जो बैक्टीरियाज होते हैं या जो बुरी हानिकारक गैसें होती हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है। बैक्टीरियाज उस घी के दिए की जो सुगंध निकलती है उससे नष्ट हो जाते हैं। अगर वो दिया कहीं ना कहीं आंगन में तुलसी का पौधा है उसके नीचे जला दिया जाए तो उसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हमारे एक तरह से कह सकते हैं हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को और देसी घी के दिए को बहुत ही मान्यता दी गई है। इस वजह से भी हमें दिवाली का त्यौहार बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और आप देखते हैं कि दिवाली के समय बहुत साफ सफाई भी की जाती है, सब अपने अपने घरों को वाइट वॉशिंग करवाते हैं, पोताई पोताई करवाते हैं, साफ सफाई करवाते हैं, कबाड़ा बाहर निकाल के फेंकते हैं। ऐसे ही गाँव में अभी भी कहीं ना कहीं कच्चे घर हैं तो उनमें तो कोई रौनक अलग नज़र आती है। सारे जो महिलाएं घर की होती हैं बेचारी, सब पूरा दीवारों पर नई मिट्टी से उसको एक तरह से प्लास्टर करती हैं, जिसे हम कहते हैं लेसना, लेसती हैं, फिर उसको पूरा लीपती हैं गोबर से, या फिर एक सफ़ेद मिट्टी आती है जिसको पड़ोर कहते हैं, पिंडोल भी कहते हैं, उससे कहने को पोतती हैं और बड़े डिजाइन से, इतने उंगली से ऐसे ऐसे दब्बे टाइप के लगते हैं, बड़ा सुंदर। ये सब दिवाली पर इसलिए होता है कि हमारे जो जो बरसात में जो जीवाणु विषाणु पैदा हुए थे वो सब नष्ट हो जाएं और दीपों की सुगंधि से वो उसका प्रभाव सब खत्म हो जाए। ये भी एक वजह है, ये तो एक तरह से प्राकृतिक और कह सकते हैं कि वैज्ञानिक कारण है और आध्यात्मिक कारण मैंने भी बताया। इस जैसे हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं और हम सभी भाई बहन भाइयों को, सभी लोगों को बड़े हर्षोल्लास के साथ ये दिवाली का त्यौहार मनाना चाहिए। तो इसी तरह से ये जो चैप्टर में जो यश है, एक लड़का छोटा बच्चा अपनी माँ से दिवाली के बारे में पूछ रहा है, तो किस तरह से उसकी माँ इस चैप्टर में देखो उसके वो दिवाली के बारे में बताती हैं, आइए किताब के माध्यम से जानकारी लेते हैं। चलिए बच्चों, तो हम अब पढ़ लेते हैं ये क्लास सेकेंड की इंग्लिश की बुक, जिसका नाम है इंग्लिश रीडर और रतन सीरीज की बुक है। बहुत ही सुंदर कहानी दिवाली के बारे में हम बता रहे थे अभी आपको ओरल। अब प्यारे बच्चों चलिए पढ़ लेते हैं इसका चैप्टर। हमने बताया था कि यश नाम का एक लड़का, इस कहानी में उसकी माँ है, वो किस तरह से अपनी माँ से दिवाली के बारे में पूछता है। जैसे कि हम बताते हैं कि आपको कोई भी भाषा पढ़ने के लिए उसका जो शब्दकोश है उसका ज्ञान होना जरूरी है उसको समझने के लिए। इसलिए तो सबसे पहले हम आज के भी शब्दकोश पर थोड़ा ध्यान देंगे, इसके जो मीनिंग्स हैं, जो वर्ड मीनिंग हैं, उनको थोड़ा नज़र डाल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इससे हमको हमारी जो इंग्लिश है उसका थोड़ा उसमें थोड़ी मजबूती आ जाए, थोड़ा हमारा ज्ञान बढ़ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला वर्ड बच्चों मदर, MOTHER, मदर ये लिखा है हिंदी, मदर, मदर माने माता या माँ। फिर लिखा है टुडे, TODAY, टुडे, टुडे माने होता है बच्चों आज, टुडे माने आज। फिर लिखा है स्वीट्स, SWEETS, स्वीट्स माने होती है मिठाइयाँ। अब खाली स्वीट होता तो बच्चे मीठा होता है उसका मतलब। फिर लिखा है TOO, माने भी, और टू माने अधिक भी होता है, ज़्यादा भी होता है टू माने। फिर लिखा है फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल, फेस्टिवल हिंदी में भी लिखा हुआ है, देखो प्यारे बच्चों, तो फेस्टिवल माने होता है त्यौहार। फिर इवनिंग, EVENING, इवनिंग माने शाम होती है। फिर स्काई लिखा है SKY, स्काई माने आकाश जो आप देखते हैं नीला नीला अंबर। फिर है डार्कनेस, DARK, डार्क, डार्कनेस, ऐसे पढ़ सकते हैं तोड़ को बड़े शब्दों को, तो डार्कनेस माने होता है अंधेरा। फिर अर्धन, अर्थेन लिखा हुआ है इसमें, अर्धन ही पढ़ते हैं इसके लिए, ERTHEN, अर्धन माने होता है मिट्टी का, ये मिट्टी से बना हुआ। फिर लिखा बच्चों लैम्प, LAMP, लैम्प, लैम्प माने होता है चिराग या दीपक या दिया जिसे कहते हैं हम, और लैम्प भी होता है, आपने लैम्प देखा होगा शीशे वाला, उसको भी लैम्प कहते हैं। फिर लिखा बच्चों ब्रिंग, BRING, ब्रिंग, ब्रिंग माने लाना, और ब्रिंग माने लाओ भी होता है, जैसे कोई ऑर्डर देते हैं तो ब्रिंग कह देते हैं, ब्रिंग में ग्लास ऑफ वाटर है ना, इस तरह से। फिर कॉल, CALL, कॉल, कॉल माने होता है बुलाओ या कॉल माने बुलाना, कॉल माने कॉल करना भी होता है, जैसे आप कहते हैं कॉल कर लेना फ़ोन पे, तो उसको भी हम कॉल कहते हैं, कॉल करना, रिंग करना नहीं बुलाना। फिर लगा है कॉर्नर, CORNER, कॉर्नर माने होता है कोना। फिर लगा है मार्केट, आप सब जानते हैं मार्केट के बारे में, MARKET, मार्केट माने होता है बाजार। फिर लिखा है BUY, बाई माने होता है खरीदना। फिर लिखा है जॉय, JOY, जॉय, जॉय माने होती है खुशी या आनंद, है ना, जैसे कि आप त्यौहार पर कितना आनंद आता है आपके लिए, उसी को जॉय कहते हैं।
फिर लगा क्रैकर्स, CRACKERS, क्रैकर्स माने होते हैं पटाखे, जो कि छोटे बच्चे खूब पसंद करते हैं उसको बजाना चलाना। फिर टॉयज़, TOYS, टॉयज, टॉयज माने होते हैं खिलौने। तो ये तो हो गया शब्दकोश बच्चों, अब होमवर्क यहीं समझ लो। अभी होमवर्क में आपको यही जा रहे मीनिंग आपको बच्चों याद करने हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको लिख के देने और बताना कि हमें ये आपको अच्छे तरह से याद हो गए हैं, जिससे कि हमें भी थोड़ी खुशी मिले और हमारा उत्साहवर्धन हो। चलिए आप कहानी पढ़ते हैं दीपावली की। देखिए किस तरह से इसमें एक बच्चा है यश, ये लिखा है यश, तो किस तरह से अपनी माँ से पूछता है। यश कह रहा है, देखो ये बोलने वाले हैं इधर वाले, ये इनके डायलॉग हैं, इनकी इनकी जो बातें हैं वो हैं। फिर यश कह रहा है अपनी माँ से, मदर वाई आर यू मेकिंग स्वीट्स टूडे। मदर माने माँ, वाई माने क्यों, आर माने हो, यू माने आप, मेकिंग माने बना रहे हैं, स्वीट्स माने मिठाइयाँ, टूडे माने आज। यश ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज आप मिठाइयाँ क्यों बना रही हैं। अपनी माँ से पूछा, आज आप मिठाई क्यों बना रही हैं। तो मदर माने माँ, उसकी माँ ने कहा, यस बेटा, यस यू डू नॉट नो, यू माने तुम, डू नॉट नो नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो, दैट टुडे इज दीपावली। दैट माने कि, टुडे माने आज, इस माने है, दीपावली माने दीपावली। तो यस की माँ ने कहा, यस क्या तुम्हें नहीं पता कि आज दिवाली है। तो यस बोला, मदर प्लीज़ टेल मी अबाउट दीपावली। माँ, यश ने कहा, माँ या माता जी, प्लीज़ माने कृपया, टेल माने बताइए, मी माने मुझे, अबाउट माने बारे में, दीपावली माने होता है दीपावली। इसने कहा, माँ प्लीज़ आप मुझे दिवाली के बारे में बताइए। तो मदर, उसकी माँ ने कहा, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली माने दिवाली या दीपावली माने दीपावली, इज माने है, द फेस्टिवल माने त्यौहार, ऑफ माने कहा लाइट माने होता है रोशनी या प्रकाश। दीपावली जो है रोशनी का यानी कि प्रकाश का त्यौहार है। देर आर अर्दन लैम्प्स इन द हाउस, ब्रिंग दैम। देर आर माने हैं, अर्दन माने मिट्टी के, लैम्प्स माने दिए, इन माने में, द हाउस माने घर। उसकी माँ ने कहा कि घर में मिट्टी के दिए हैं, ब्रिंग दैम, ब्रिंग माने ले आओ, दैम माने उन्हें, यानी उन दियों को यहाँ पर ले आओ। उसकी माँ ने ऐसे कहा, कॉल रानी, रानी को बुला लो, कॉल माने बुलाओ, रानी माने रानी, उसकी बहन का नाम होगा, हो सकता है। उसकी माँ ने कहा, रानी को बुला लो, आई शैल लाइट द हाउस विद दोज लैम्प्स। आई माने मैं, शैल लाइट माने प्रकाशित करूँगी, रोशन करूँगी द हाउस माने घर के लिए, विद माने से, दोज माने उन लैम्प्स माने होते हैं दिए, मैं उन दियों से अपने घर को, इस घर को प्रकाशित करूँगी। यस ब्रिंग द लैम्प्स, यस माने यस, ब्रिंग माने लाता है, द लैम्प्स माने वही दिए, यस जो है उन दियों को ले आता है। हेज मदर लाइट द लैम्प्स एंड वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। हेज मदर, उसकी माँ, हेज माने उसकी मदर माने माँ, लाइट्स माने जलाती हैं, द लैम्प माने उन दियों को, एंड माने और वर्शिप माने पूजा करती हैं, गॉडेस माने देवी, लक्ष्मी माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी देवी की पूजा करती हैं। आफ्टर दैट, आफ्टर माने बाद में, दैट माने उसके, उसके बाद, रवि पुट्स द लैम्प्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज हाउस। रवि जो है, रवि उसका भाई होगा, पुट्स माने रखता है, द लैम्प्स माने दियों को, इन माने में, एवरी माने प्रत्येक, कॉर्नर माने कोना, ऑफ माने का, हिज माने अपने हाउस माने घर। फिर उसके बाद क्या होता है, जो रवि है वो अपने घर के हर कोने में दियों को पुट माने रखता है। रानी आल्सो हैज हिम, रानी माने रानी, आल्सो माने भी, हैज माने मदद करती है, माने उसकी, रानी भी उसकी मदद करती है दिया लगाने में, दिया रखने में, उसकी जो बहन थी रानी वो भी उसकी मदद करती है। मदर, उसकी माँ कहती है, सी चिल्ड्रेन, सी माने देखो, चिल्ड्रेन माने बच्चों, देखो बच्चों, देर इज लाइट इन ऑल द हाउस, देर इज मा, देर मान, देर इज माने है, लाइट माने प्रकाश, इन माने में, ऑल द हाउस माने सभी घरों में, ऑल माने सभी, हाउस माने घर, सभी घरों में प्रकाश है, एंड माने और, इन दी मार्केट माने बाजार में, यानी बाजार में भी प्रकाश है, सभी घरों में रोशनी रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो यस बोला, मदर आई एम गोइंग टू मार्केट। मदर माने यश ने कहा, मदर माँ आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ टू दी मार्केट माने बाजार, मैं बाजार में जा रहा हूँ। तो मदर बोली, आई एम आल्सो गोइंग टू मार्केट। माँ ने कहा, यश ने यश से, आई माने मैं, माने हूँ, आल्सो माने भी, गोइंग माने चल रही है, जा रहे टू मार्केट माने बाजार, मैं ही बाजार चल रही हूँ, मैं ही बाजार जा रही हूँ। यू एंड रानी गेट रेडी, यू माने तुम, एंड माने और, रानी माने रानी, गेट रेडी माने होता है तैयार हो जाओ, तुम और रानी तैयार हो जाओ। उसकी माने का, मैं ही बाजार चल रही हूँ तो तुम और रानी दोनों तैयार हो जाओ। आगे देखिए और एक लाइन है, वी शैल बाय क्रैकर्स। तो उसकी माने का, वी माने हम, शैल बाय माने खरीदेंगे, क्रैकर्स माने पटाखे, टॉयज माने खिलौने, एंड माने और, पिक्चर्स माने चित्र तस्वीरें,
फ्रॉम माने से देर माने वहाँ, हम वहाँ से तस्वीरें और खिलौने और पटाखे भी खरीदेंगे। अरे किस तरह से ये जो कहानी है दीपावली की वो पूरी हो जाती है, और जो यश है उसकी माँ है, किस तरह से इसकी माँ ने यश को दिवाली के बारे में जानकारी दी और यश को इससे कितनी जानकारी मिली, और जैसे कि हमने भी आपको जानकारी दी इस चित्र इस कहानी को पढ़ाने से पहले, तो उससे भी आपको जानकारी मिली होगी। तो हम उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे अपेक्षाएँ हैं, आपसे उम्मीदें हैं कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर लाइक करेंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको सारी वीडियो समय पर मिलती रहें और ऐसी ही और हम जानकारी आपको देते रहें। तो आगे की जानकारी के लिए, आगे के चैप्टर के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद।